नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बयार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। विवादित बयान और ऐसे बयानों की फहरिस्त बहुत लंबी है जो अक्सर नेताओं की जुबान फिसलने पर आती है। आमतौर पर इस तरह के बयान चुनाव में दिए जाते हैं, आमतौर पर चुनाव में जुबान फिसलती है नेताओं की और विवादित बयानों का जो सिलसिला है वो चुनावों में चल पड़ता है। लेकिन मौजूदा वक्त में बिहार में चुनाव नहीं है, हालांकि बिहार कई बार चुनाव के मोड में नज़र जरूर आता है, लेकिन चुनाव हो न हो कुछ नेताओं की जुबान फिसल ही जाती है, कुछ नेताओं की जुबान चुनाव का इंतजार नहीं करती। तो ऐसे ही एक नेता हैं, बीजेपी के नेता हैं, प्रदेश के बड़े नेता हैं, राम सूरत राय, भारतीय जनता पार्टी के नेता भी हैं और भाजपा कोटे से बिहार सरकार में मंत्री हैं। एक बार नहीं, कई बार उनकी तरफ से जो बयान आए हैं उस पर बवाल हुआ है। तो इस बार जो बयान आया है उस पर फिर बवाल हुआ है। तो एक बार नहीं, कई बार राम सूरत राय के बयान पर बवाल हुआ है। मंत्री राम सूरत राय न सिर्फ अपनी सियासत से ज्यादा अपने बयानों की वजह से सुर्खियों में रहते हैं, बल्कि उनके बयान कई बार राजनीतिक बवाल का कारण बनते हैं। तो राम सूरत राय ने इस बार क्या बयान दिया है? दरअसल मंत्री जी की जुबान फिसल गई, या मंत्री जी जिस तरह से अपने विवादित बयानों के लिए जाने जाते हैं उन बयानों की फहरिस्त में एक और बयान जुड़ गया है। राम सूरत राय ने एक और विवादित बयान दे दिया है। मंत्री राम सूरत राय ने कहा है कि जिस तरीके से मुसलमान अपने यहाँ ईद में आने वाले लोगों को टोपी पहनाते हैं उसी तरह वे भगवान को भी टोपी पहनाते हैं। राम सूरत राय ने यह भी कहा है कि मस्जिदों पर कब्जा किया हुआ है और तमाम तरीके की बात उन्होंने कही है। तो जाहिर तौर पर यह अपने आप में बड़ा विवादित बयान है, इस पर बवाल लाजमी है। हम आपको पूरा बयान सुनाते हैं मंत्री राम सूरत राय का, उन्होंने क्या कहा है। वह स्वतः प्रकट हो रहे हैं भगवान किसी न किसी रूप में, कहीं राधा कृष्ण जी के रूप में, कहीं शिव के रूप में, कहीं राम जी के रूप में। तो वो सारे मंदिर मस्जिद जो बने हुए बड़े बड़े, जहाँ जहाँ आप ज्वाइंट देख रहे हैं, वो सारे मस्जिद जो बने हैं, जैसे अभी आपके यहाँ ईद में आते हैं और हमारे मुस्लिम भाई क्या करते हैं, हमको टोपी पहना देते हैं। उस तरह भगवान पर भी लोग टोपी बना के पहना दिया और सब मस्जिद हड़प लिया, जमीन मेरा जो भगवान का जो मंदिर था हड़प लिया। तो आज हम नहीं छीन रहे, वो स्वतः धीरे धीरे निकल रहा है। तो आने वाला समय जो मैंने बताया है कि वो स्वतः उनको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि वो चीज़ हमारे पूर्वजों का था, हमारे हिंदू संस्कृति का था, उनको लोगों को छोड़ना पड़ेगा। उनके मुगलों ने जिस तरह का शासन किया, साम्राज्य पर कायम किया, तोड़ करके हड़प लिया। तो आज वो समय परिवर्तन, संसार का नियम है, आज परिवर्तन के रूप में आप सब लोग देख रहे हैं। मंत्री जी जातीय